वंस अगेन आई हैव कम विथ यू टुडे वी डिस्कस ओवर एडवर्ब व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्पीच बिफोर दिस नाउन प्रोनाउन एंड कंजंक्शंस एंड आई नो हैव बीन डिस्कस एंड आल्सो बीन अपलोडेड इन स्कूल एप्स सो टुडे वी विल डिस्कस ओवर एडवर्ब Initially, when I took up the definition of all eight part of the speech, I have given definitions and discussed precisely. Once again, when I have taken this topic, I want to discuss its definition also. आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच के लगभग हर पार्ट का डिफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ और इसी क्रम में आज हम एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब की जहाँ तक डिफिनेशन की बात है, जो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण हिंदी में हम कहते हैं, ये क्वालिफाई करती है वर्ब को। एडजेक्टिव को एडवर्ब को अनदर एडवर्ब। सो वन थिंग विच इज क्लियर विद दिस दैट एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड फाइनली एनोदर एडवर्ब। यानी जो क्रिया विशेषण होती है ये वर्ब में भी जुड़ करके उसकी डिग्री को बढ़ाती है, एडजेक्टिव में भी जुड़कर उसकी डिग्री को बढ़ाती है, और साथ ही साथ हम देखें तो जो क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ये है, ये एनोदर यानी एक दूसरे एडवर्ब में भी जुड़ती है और उसके डिग्री को इंक्रीज कर देती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेल नाउ वी विल सी हाउ डिग्री आर इंक्रीज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिग्री कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे जुड़ रही है और कैसे उसको बढ़ा दे रही है। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि इंक्रीज मतलब जो एडवर्ब होता है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ वर्ब। स्टूडेंट आप एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली समझते चलिए। मैंने ये कहा कि जो एडवर्ब होता है इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है द डिग्री ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की डिग्री को ये एडवर्ब बढ़ाता है। एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं लिख सकता हूं सी स्पीक्स पोलाइटली। इस एग्जांपल से बिल्कुल यह स्पष्ट हो पा रहा है कि यहां पर स्पीक वर्ब है और पोलाइटली हमारा एडवर्ब। आप कहेंगे सर जी हम एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे, इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आमतौर पर जहां एलवाई जुड़ा होता है अंत में वही हमारा एडवर्ब होता है, लेकिन ये हर केस में लागू नहीं होता है। कहां यह लागू नहीं होता है मैं आपको हरदम बताऊंगा। क्लियर हो पा रहा है? तो यहां पर स्पीक जो वर्ब है और यहां पर पोलाइटली एडवर्ब, तो कह रहे हैं किसी चीज को बोलती है कैसे बोलती है, पोलाइटली विनम्रता के साथ। तो ये एडवर्ब इस वर्ब में जुड़ करके इसके डिग्री को बढ़ाता है, तो बोलती ही नहीं है, बहुत विनम्रता से बोलती है। तो क्लियर हो पा रहा है यहां से कि जो एडवर्ब होती है इसी वर्ब में जाकर जुड़ती है, यहां एड हो रही है और उसकी डिग्री को बढ़ा दे रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है सर जी एडजेक्टिव में कैसे जुड़ता है, मैं अपने लिखे पूर्ण देता हूं इंक्रीज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
यानी जो एडवर्ब होती है एडजेक्टिव के डिग्री को बढ़ा देती है, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं भाई। सी सी एज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वो काफी सुंदर लड़की है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड है ब्यूटीफुल, जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, और इसी एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड आ रहा है वेरी, जो होता है एडवर्ब, और यही एडवर्ब एडजेक्टिव में जुड़ करके उसके डिग्री को बढ़ा रहा है, कह रहा है कि वह सुंदर लड़की ही नहीं है बहुत सुंदर लड़की है। यानी यह वेरी इस ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव से जुड़ रहा है उस डिग्री को इंक्रीज कर दे रहा है। सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड सर ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर सर वेरी प्रिसाइसली कीपिंग इन व्यू द सेंटीमेंट द कैचिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। जहां भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में शिकायत इलाज करिएगा, और पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। अब हम चलते हैं अदर एडवर्ब्स। भाई अदर एडवर्ब क्या होता है? मैंने कहा कि जो एडवर्ब होता है किसी दूसरे एडवर्ब को जोड़ता है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो वही मैटर है कि इंग्लिश डिग्री आप अंदर एडवर्ब उसको मैं रेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एग्जाम्पल देकर के ही समझा दे रहा हूँ। सी स्पीक्स वेरी पोलाइट, यहां कह रहा है सी स्पीक्स वो बोलती है, कैसे बोलती है वेरी पोलाइटली। यहाँ जो वेरी हमारा है एडवर्ब है, और पोलाइटली भी हमारी क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो स्पीक है ये वर्ब है। यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब जुड़ करके उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, कह रहा है कि सी स्पीक तो बोलती है वेरी पोलाइटली, विनम्रता ही नहीं बहुत विनम्रता से बोलती है। तो मुझे लगता है कि तीन पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। वेल वेल नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द रूल, एंड फ्रॉम हियर वी विल सी एवरी सिंगल रूल ऑफ एडवर्ब। वंस अगेन आई एडवाइज यू वेर एवर यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देयर इज नो नीड टू बी हेजिटेट और टू साइड अवे, यू कैन फ्रीली मेक योर पॉइंट इन कमेंट बॉक्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर हम इसके रूल की बात करें तो कई सारे रूल हैं जिनमें हम कुछ प्रमुख रूलों की बात करेंगे पहला रूल क्या कहता है डिफरेंट मीनिंग इन एल वाई फॉर्म, यानी एल वाई फॉर्म की जो मीनिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आमतौर पर अगर आपसे कहा जाए कि आप एडवर्ब को डिकाइनाइज करिए तो आपको एक बात ध्यान देनी है, जहाँ पर एल वाई होता है जिसके अंत में वही हमारी एडवर्ब होती है, लेकिन हर केस में लागू नहीं होता है। यहाँ पर कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं जहाँ पर उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं एल वाई फॉर्म में। यहाँ हम बात करेंगे लेट की, और दूसरी तरफ देखेंगे लेटली, लेट और लेटली, ठीक है ना। एल वाई फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग कैसे हो रही है, तो लेट की अगर हम मीनिंग की बात करें इफ वी सी द रियल मीनिंग ऑफ लेट एंड लेटली वी विल फाइंड सम बेसिक डिफरेंसेज। लेट में देखिए कह रहे आफ्टर द यूजुअल आर प्रॉपर टाइम्स, सामान्य या उचित समय के बाद, यानी जो लेट की जो हमारी मीनिंग होती है लेट का जो अर्थ होता है वो होता है आफ्टर द यूजुअल आर प्रॉपर टाइम, यानी उचित समय या सामान्य समय के बाद, मतलब समय होता है उसे ही हम लेट कहते हैं, जिससे लेट पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं। दूसरी तरफ देखें लेटली, इसमें ये लॉजिक फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके अर्थ की अगर हम बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, लिटरल सेंस की बात करें, तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जिसकी हिंदी होती है हाल ही में,
या आपने, तो यहां से ए पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। लेट उचित समय के बाद प्रश्न होता है उसे लेट कहते हैं, और लेट के उसमें एयर वाई ऐड हो रहा है, उसका अर्थ चेंज हो रहा है, और मीनिंग निकल के आ रही है रिसेंटली या आप लेट इसकी हिंदी होती है हाल ही में, ठीक है ना। चलिए जहां पर देख लेते हैं, करके आई हैव नॉट सीन अकीला लेटली, आप बताना चाह रहे हैं क्या होगी, मैंने अकीला को लेटली नहीं देखा, लेटली क्या होगी हाल ही में, ठीक ना, यानी हाल ही में मैंने अकीला को नहीं देखा, मैं समझे लेट से लेटली है तो बाद वाला ही समझ में गया, ऐसा नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक वर्ड आता है फ्री और एक होता है फ्रीली, फ्री की अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है विदाउट चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगता उसे हम फ्री कहते हैं। फ्रीली को अगर देखें तो इसका हम अर्थ पाएंगे विद फ्रीडम यानी आजादी के साथ। चलिए अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें और समझने की कोशिश करें तो दिया कि वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम भारत में पूरी आजादी के साथ पूरे फ्रीडम के साथ घूम सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रीली होगा ना कि फ्री होगा। सो आई थिंक दैट दिस टू पॉइंट्स विल बी वेरी क्लियर, दैट इज लाइक ए क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, क्लियर, ओके स्टूडेंट। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ एडवर्ब विथ अ एग्जाम परस्पेक्टिव, इट हैज की रोल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एडवर्ब के दूसरे रूल की। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जैसे रिगार्ड, मानना, सम्मान करना, डिस्क्राइब, वर्णन करना, डिफाइन, परिभाषित करना, ट्रिक, व्यवहार करना, विचार करते हैं, नो जानना, ये कुछ ऐसे सर्टन वर्ड हैं जिनके साथ हम एज ऐड करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज ग्रामेटिकली वो इरर माना जाएगा, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल हम देखें तो लिखा है कि आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर्स, आपको एक वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिगार्ड, और मैंने कहा जैसा ऊपर मैंने लिखा भी है कि इन शब्दों के बाद या ये सब चाह रहे हैं कि वहां पर हम एज को ऐड करेंगे ही करेंगे, तो मैंने इसे लिखते हैं आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ठीक है ना। आपको बस यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली दैट आफ्टर दीज गिवन सर्टेन वर्ड एज मस्ट बी एडेड, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड एन रॉन्ग वन, ओके। दूसरा अगर हम इसी के तहत कुछ बात करें, इसी शब्दों के तहत कुछ हमारे पास अन्य शब्द भी हैं, एक शब्द आता है नेम, इसका मतलब होता है नाम, दूसरा इलेक्ट चुनना, फिर हमारा थिंक जो सोचते हैं हम, कंसीडर विचार करते हैं, कार आह्वान करते हैं, अपॉइंट नियुक्त करते हैं, और एक और हमारे पास जो है मेक बनाना, चूज चुनना, इनके साथ हम एज का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। एग्जाम्पल देखिए, आप कह रहे हैं द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर, प्रिंसिपल साहब ने उनको एज अ लेक्चरर पद नियुक्त किया, क्या यहाँ पर जब अपॉइंट है तो एज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, वो ग्रामेटिकली एरर माना जाएगा। सो स्टूडेंट फॉर टुडे वीडियो आई फिनिश द पॉइंट हियर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, थैंक यू सो मच।